बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एएसएफ पब्लिक स्कूल जूनियर सेक्शन क्लास 3 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ टॉपिक नेशनल आइडेंटिटी पेज नंबर 62 टीचर मिस समरा अकरम। इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। थ्रू दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड सेल्फ बिलोंगिंग्स एज अ पाकिस्तानी। Their thoughts about identity will be cleared. Like these pictures, Qaumi Tarana, National Anthem, National Flag and our National Logo. These are basic identities of Pakistan. बच्चों यहाँ पर आपको ये चीज़ बताना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है कि what is belonging. Belongings are the things that you own. जो चीज़ आप personally own करते हैं, like योर नेम जिससे आप पहचाने जाते हैं, योर पेरेंट्स जिससे आपकी पहचान है, इसी तरह आपकी कंट्री जिससे आपकी शनाख्त है, इसी तरह आपकी कंट्री से रिलेटेड वो तमाम चीज़ें जिसको आप ओन करते हैं नेशनली, लाइक फ्लैग जिससे आप हमेशा पहचाने जाते हैं, आपका कौमी तराना, आप जिस जगह भी जाएंगे अपना नेशनल एंथम पढ़ेंगे उससे आपकी पहचान होगी कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इसी तरह वो तमाम चीज़ें जो आपके कंट्री लेवल पे आप ओन करते हैं, लाइक आपका नेशनल गेम हॉकी, आपकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू, आपका नेशनल ड्रेस शलवार कमीज़, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनसे आप हर जगह जाने और पहचाने जाएंगे। दीज आर कॉल्ड बिलोंगिंग्स। आज हम इन्हीं बिलोंगिंग के बारे में आपको कुछ चीज़ें, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और आपको इनके बारे में बताएँगे। रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन, पेज नंबर 62। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन नेशनल आइडेंटिटी। द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव ऑल्सो देयर ओन नेशनल आइडेंटिटी। हमर नेशनल आइडेंटिटी इज़ एविडेंट फ्राम द लैंग्वेजेस, क्लोथिंग, कस्टम्स, म्यूजिक, फूड, रिलीजन, करेंसी, फ्लैग एंड नेशनल एंथम ऑफ हमर कंट्री। हर मुल्क की अपनी कौमी शनाख्त है। पाकिस्तान के लोग भी अपनी एक शनाख्त रखते हैं। हमारी शनाख्त जिन चीज़ों से ज़ाहिर होती है, इनमें हमारी तमाम ज़बानें यानी कौमी ज़बान उर्दू और तमाम इलाकाई ज़बानें, हमारा लिबास, हमारे रस्म व रिवाज, म्यूज़िक, हमारे मज़ेदार खाने, मज़हब, करेंसी यानी रुपए जिस पर कायद आज़म की तस्वीर बनी है, हमारा परचम और हमारा कौमी तराना शामिल हैं। लैंग्वेज, पेज नंबर 63। उर्दू इज़ द नेशनल लैंग्वेज। देयर आर मैनी अदर लैंग्वेजेस कॉमनली स्पोकन इन पाकिस्तान। दीज लैंग्वेजेस आर पंजाबी, पश्तो, बलोची, सिंधी, सराइकी एंड हिंदू। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, इसके अलावा बहुत सारी ज़बानें यहाँ आम तौर पर बोली जाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी, केपीके में पश्तो, सिंध में सिंधी, बलूचिस्तान में बलूची, हिंदू और दीगर ज़बानें भी बोली जाती हैं, लेकिन उर्दू कौमी ज़बान होने की वजह से इन तमाम इलाक़ों में यकसा तौर पर अहम समझी जाती है। फूड। हमारे स्टेपल डाइट इज़ वीट, रोटी, पल्सेस, करी एंड वेजिटेबल्स। देयर आर अ वैरायटी ऑफ फूड इन ईच रीजन। राइस इज़ ग्रोन इन पंजाब एंड नाउ इट हैज़ बिकम अ पॉपुलर फूड। यहाँ की मखसूस गज़ा गंदम की रोटी, दालें और सालन और सब्ज़ियाँ हैं। हर इलाके में, हर रीजन में खानों की बहुत सी वैरायटी है और तरह तरह के खाने यहाँ बनाए और खाए जाते हैं। चावल जो पंजाब में काश्त किया जाता है, अब इससे तैयार किए हुए खाने भी यहाँ के मकबूल खानों में शामिल हैं। नेशनल ड्रेस। ऑल्दो पीपल वेयर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स एंड अदर क्लोथ्स, द शलवार कमीज इज़ अ कॉमन वे ऑफ ड्रेसिंग फॉर बोथ मैन एंड वीमेन इन पाकिस्तान। वीमेन ऑल्सो वेयर अ दुपट्टा, स्कार्फ। लोग इलाकाई लिबास और बहुत से दूसरे लिबास जैसे ट्राउज़र, पजामे, कुर्ते और शर्ट्स और दूसरे बहुत से ड्रेसेस पहनते हैं,
लेकिन शलवार कमीज़ ऐसा लिबास है जिसे आम तौर पर पाकिस्तान के मर्द और औरतें यकसर तौर पर पहनते हैं। औरतें दुपट्टा या स्कार्फ भी पहनती हैं। फ्लावर, द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज जैस्मीन। इट इज़ नोन एज चमेली इन उर्दू। जैस्मीन इज़ अ ग्रीन शर्ब एंड द फ्लावर्स आर वाइट विद अ जेंटल फ्रेग्रेंस। पाकिस्तान का कौमी फूल जैस्मीन है, जिसे उर्दू में चमेली के नाम से जाना जाता है। जैस्मीन के पौधे का शुमार शर्ब प्लांट में होता है, यानी इसकी लेंथ ना तो बहुत छोटी होती है और ना ही बहुत बड़ी। इसके स्टेम भी सॉफ्ट और वुडी होते हैं। इसका फूल सफ़ेद रंग का होता है, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी महसूस होती है। करेंसी, द करेंसी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड रुपी। वी हैव करेंसी ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़। 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। द क्वाइंस आर मिंटेड इन कॉपर एंड वाइट मेटल। द नोट्स आर मेड ऑफ पेपर। दीज आर कॉल्ड बैंक नोट्स। पाकिस्तान की करेंसी रुपया कहलाता है। हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ की करेंसीज़ मौजूद हैं, जैसे क्वाइंस में 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़, जिन्हें कॉपर और वाइट मेटल के ज़रिए तैयार किया जाता है। इसी तरह रुपीज़ में 50 रुपीज़ के नोट, 100 रुपीज़ के नोट, 500, 1000 और 5000 के नोट्स मौजूद हैं। इन नोट्स को क्योंकि बैंक में तैयार किया जाता है, इसलिए इन नोट्स को बैंक नोट्स कहा जाता है। यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि 1 रुपये के अंदर 100 पैसा होते हैं। अगर आप और रुपीज़ में 100 से इसको मल्टीप्लाई करें, लाइक 50 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें, तो आपको पता चल जाएगा कि 50 रुपये में 5000 पैसे होते हैं। इसी तरह आप और रुपीज़ को भी काउंट इससे मल्टीप्लाई करके 100 से पता कर सकते हैं कि उसमें कितने पैसे मौजूद हैं। रिलीजन, इस्लाम इज़ द मोस्ट कॉमनली रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। द मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज आर मुस्लिम। देर आर पीपल ऑफ अदर रिलीजियस बिलीव्स इन पाकिस्तान एज वेल। इस्लाम पाकिस्तान में अमली तौर पर माना जाने वाला सबसे बड़ा मज़हब है और यहाँ मुसलमान कसरत में हैं, यानी बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरे अकायद और मज़ाहिब के मानने वाले भी मौजूद हैं। स्टूडेंट, जिस तरह मुसलमानों के लिए मसाजिद मौजूद हैं, इसी तरह यहाँ दूसरे मज़ाहिब के लिए भी उनकी इबादत की जगह यानी प्लेस ऑफ वर्शिप मौजूद है। यानी क्रिश्चियंस के लिए चर्च, हिंदुओं के लिए मंदिर, सिखों के लिए गुरुद्वारा मौजूद है। इन पिक्चर्स में भी इन मज़ाहिब के मानने वालों को और उनका जो इबादत का तरीका है और जो उनका प्लेस ऑफ वर्शिप है, उसको दिखाया गया है। नेशनल गेम्स, पेज नंबर 65। आवर नेशनल गेम इज़ हॉकी। टेनिस, स्क्वाश एंड क्रिकेट आर ऑल्सो पॉपुलर स्पोर्ट्स इन द कंट्री। स्पोर्ट्स हीरोज़ लाइक शहबाज अहमद हॉकी, हसामुल हक टेनिस, जहांगीर खान स्क्वाश एंड शाहिद खान आफरीदी क्रिकेट हैव मेड पाकिस्तान स्टैंड टॉल ऑन द वर्ल्ड मैप। हमारा कौमी खेल हॉकी है। टेनिस, स्क्वाश और क्रिकेट भी बहुत पॉपुलर गेम है। स्पोर्ट्स हीरोज़ जैसे शहबाज अहमद हॉकी, असामुल हक टेनिस, जहांगीर खान स्क्वाश और शाहिद खान आफरीदी क्रिकेट, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बुलंद मुकाम दिलाया। फोक सॉन्ग्स एंड टेल्स, ट्रेडिशनल और कल्चरली पॉपुलर सॉन्ग्स रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ अ प्रोविंस और अ कंट्री। पाकिस्तानी फोक सॉन्ग्स आर पॉपुलर एमंग द यंग एंड ओल्ड। आवर फोक सॉन्ग्स आर संग इन रीजनल लैंग्वेजेस लाइक पंजाबी, सिंधी, बलोची एंड पश्तो। फोक टेल्स आर स्टोरीज ऑफ ट्रेडिशनल एंड कल्चरल कस्टम्स रिलेटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सम ऑफ आवर फोक टेल्स आर उमर मारवी, मुरीदानी, हीर रांझा, सस्सी पन्नू एंड सोनी महिवाल। मशहूर इलाकई गाने इस इलाके के या किसी भी मुल्क के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं या उनकी नुमाइंदगी करते हैं। पाकिस्तानी इलाकई गाने
यहाँ के बड़ों और नौजवानों में यकसां तौर पर मकबूल हैं। ये गाने मुख्तलिफ इलाकाई ज़बानों में गाए गए हैं, जिनमें पंजाबी, सिंधी, बलोची और पश्तो ज़बानें शामिल हैं। हर इलाके के कुछ ऐसी कहानियाँ और किस्से भी मौजूद हैं जिनसे इस इलाके के रस्म रिवाज और इस दौर की तहजीब का भी पता चलता है, जो नसल दर नसल मुंतकिल होती रहती है। इन टेल्स में मशहूर नाम उमर मारवी, मुरीद हानी, ही रांझा, सस्सी पन्नू और सोनी महिवाल हैं। यहाँ इस पिक्चर में आपको मिली नगमे भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से मिली नगमे जो बहुत मशहूर भी हैं वो मुख्तलिफ इलाकाई ज़बानों में मौजूद हैं। इसके अलावा आजकल जो नए नगमे बन रहे हैं वो बहुत सी मुख्तलिफ जो ज़बानें बोली जाती हैं उनमें भी बन रहे हैं। अदर बिलोंगिंग्स आर: नंबर वन, नेशनल रिवर इंडस, नेशनल ट्री देवदार, नेशनल समर फ्रूट मैंगो, नेशनल विंटर फ्रूट गावा, नेशनल एनिमल मारखोर। मारखोर एक ऐसा जानवर है, बकरा है, जो शुमाली इलाका जात में पाया जाता है। नंबर सिक्स, नेशनल बर्ड पार्टरिज चकोर। नंबर सेवन, नेशनल प्रेडेटर बर्ड फैल्कन यानी बास। नंबर एट, नेशनल प्रेडेटर एनिमल लेपर्ड। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे स्ट्रॉन्ग। अल्लाह हाफिज़।